हाय दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं? पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि पंखा चल रहा है। पंखे को बंद करें, देन यू हैव टू वेट। एक्चुअली आई एम गेटिंग रेडी फॉर द डे। हेलो प्यारे दोस्तों, सो आज की व्लॉग की शुरुआत में ही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रेसिपी, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने बनाया था पिज्ज़ा और बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि पिज्ज़ा घर पे कैसे बना सकते हैं। सो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई भी क्लीन कुकी कटर रेसिपी नहीं होने वाली है, ये क्विक रेसिपी होने वाली है। आप आई होप आप को अच्छी लगेगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं पिज्ज़े की रेसिपी, लेट्स गो। सो पिज्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है बॉल। इसमें हम डालेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर। सो मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर 3.5 कप। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक एंड 1 टेबलस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि है डबल एक्शन के साथ। और बेकिंग पाउडर के साथ जब हम डो बनाते हैं तो उससे ये होगा कि आप इमिडिएटली यूज़ कर ले तो अच्छा फ्लफ़ी बनता है। सो 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी डालने से पहले। अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको आटे की तरह हम गूंद लेंगे, पर हमें बहुत पतला नहीं करना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे। और जब आपकी ये बॉल बिल्कुल क्लीन हो जाए ऐसा गूंदना है कि चिपके नहीं। तो डो कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसे 2-4 मिनट छोड़ते हैं, तब तक हम वेजीज को स्लाइस कर लेते हैं, देन ऑलमोस्ट रेडी है कुक करने की। आपका डो मिक्स करने वाला बोल कुछ इस तरह साफ हो, एंड ना चमकदार होने की ज़रूरत नहीं है, बट या डो रेडी है। सो टॉपिंग्स के लिए आप जो भी यूज़ करना चाहें करें। मैं हस्बैंड को पनीर डाल के देने वाली हूँ उनके पिज्ज़े में, और उस पर मैंने थोड़ा सा मसाला लगा लिया है। पनीर खाएंगे, रेड चिली, जिंजर उन्हें अच्छा लगता है, टमेटोज, मशरूम, पेपर एंड अनियन ये उनकी हैं। मेरे पिज्जे में सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे। सो ओवन को मैं प्री हीट कर रही हूँ 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जो ऑलमोस्ट होने वाला है। 7:30 हो चुके हैं, सो हमारा डिनर का टाइम है। और ऐसे आटा खला लिया मैंने, और पिज्ज़ा सॉस लास्ट टाइम की बची हुई है मेरे पास। सो इसकी रेसिपी मैं रिटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ईजीएस्ट है, आप आराम से बना सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से बनी बनाई भी पिज्ज़ा सॉस ले सकते हैं। सो यस, दिस इज़ दैट। सो सबसे पहला पिज्ज़ा हिम्मत के लिए बनेगा। सो मैंने अच्छा बिग पेड़ा लिया है, और इसको हम थोड़ा सा हैंड के साथ करके बेलन के साथ स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत पतला करेंगे तो क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो थोड़ा थिक ही रखेंगे। और बेल लेते हैं अब इस। सो इस तरह का लग रहा है, और मैंने इसको ट्रे पे रख लिया है। अब इस पे सॉस लगा के हिम्मत का पिज्ज़ा होगा। सो हिम्मत का पिज्ज़ा रेडी है ओवन में जाने के लिए। इसे कुक करेंगे अराउंड 20 मिनट्स तक, लेस देन 20। जब पिज्ज़े का कलर अच्छा हो जाएगा तो हम निकालेंगे। वरना पुट दिस इन। सो हिम्मत का डिलीशियस पिज्ज़ा रेडी है। अब बारी आती है हस्बैंड का पिज्ज़ा बनाने की, तो उनका पिज्ज़ा भी रेडी हो चुका है। आई होप आपने ये रेसिपी को इंजॉय किया होगा और ट्राई करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी रेसिपीज देखना। हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू कर रही हूँ मैं, 4 बज रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब के लिए आधे वीडियोज़ शूट कर रही थी अर्लियर, और बहुत सारे और काम कर रही थी। पर या मैंने वीडियो शूट की है इंस्टाग्राम डिसाइड माय मेकअप व्लॉग।
सो ये मेकअप लुक किया है मैंने क्योंकि आपने कहा था कि वार्म बोल्ड एंड ग्लिटर्स के साथ. सो ये लुक है जो मैंने क्रिएट की है. अब हेलो दोस्तों, दिस इज़ एडिटिंग मी अगेन. से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है बताने के लिए कि यस, मैंने ये वीडियो शूट की थी मेकअप लुक की इंस्टाग्राम डिसाइड माई मेकअप, पर मुझे एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा हमेशा की तरह, नॉट हमेशा की तरह, बहुत बार की तरह. और ये वीडियो बेचारी यूट्यूब चैनल पर नहीं जा पाई क्योंकि मैंने मज़ा नहीं आया. सो होपफुली ये मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँगी कोई डिफरेंट लुक, क्योंकि ये लुक ने मैनू ज़्यादा खुश नहीं किया यार. मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ पर फिर मैनू एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, फिर मैं अपलोड नहीं करती हूँ. अपलोड मैं वही कर दिया जरा दिल नू प्यारा लगता है और मैनू वेख के खुशी हो जाए, लाइक मुझे देख के मज़ा आए. ऐसे लल्लड़ पल्लड़ चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो यस, बाय. मैं जा रही थी मेरे स्किन को क्लीन करने के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए, आई डोंट नो क्यों, पर या पर उससे पहले मैं मेरे हस्बैंड को कुछ खाने के लिए देने वाली हूँ. उसके बाद मैं बनाऊंगी छलियाँ जैसे मैंने कल खाई थी. आई डोंट नो आपने इसी व्लॉग में देखी है या पिछले में देख ली होंगी. कितना कंफ्यूज हो जाती हूँ बताने के लिए आज वाल ये वो. सो या मेकअप को थोड़ी देर रहने देते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं. अभी तो करके आई हूँ मैं 10 मिनट पहला. सो थोड़ी देर इन्जॉय कर लेते हैं इस लुक को, तो बाद में डिलीट करती हूँ और डिलीट बाद में रिमूव करती हूँ. सो यस, आई एम गोना गिव माय हस्बैंड समथिंग टू ईट एंड मैं जा भी लेनी है जाती फिर. सो हिम इज ईटिंग पॉपकॉर्न, डैडी इज ईटिंग पॉपकॉर्न एंड आई एम गोइंग अपस्टेयर्स. व्हाई यू मे आस्क, व्हाई आई डोंट नो. ओ एक्चुअली लॉन्ड्री को फोल्ड करना है, उसको मैं ऊपर रखवा दिया गया है हस्बैंड से. मैंने सोचा था कि थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, चाय पीती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, पर देन मुझे लगा कि अपने काम पहले कर लेती हूँ. हस्बैंड को पूछा मैंने कि तुम चाय पीना चाहते हो, कहना नहीं. सो अगर आपके पास चाय पीने के लिए कंपनी ना हो तो फिर आप थोड़ा स्किप भी कर देते समटाइम्स. और मैंने सोचा कि बहुत अच्छा सनी सा दिन है आज और हमारे बेडरूम में बहुत अच्छी धूप आती है, तो जब रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो काम करने के लिए ज़्यादा मन करता है. और वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ मेरी लॉन्ड्री को, क्योंकि अंधेरे में या शाम में नहीं मन करेगा. बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, सिर्फ एक ही थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े कपड़े हैं. सो उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं. 4:30 हो चुके हैं. ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं आराम करूँगी 15-20 मिनट वहीं पे और देन मैं नीचे आके चाय पीऊँगी. सो ये थी ऊपर जाने से पहले एक नन्ही सी स्टोरी. और वो दोनों मुझे देख रहे हैं कि कहड़े एंगल तो वीडियो बना दी पई है, पर दे डोंट नो इधर अंधेरा आया, दैट्स व्हाई. Oh, and I'm listening to something, some podcast. Because जब भी मैं कुछ करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना होता है, कुछ सुनना होता है. अच्छा motivating, कोई podcast सुन लेती हूँ, कोई audio book सुन लेती हूँ. So आज मैं podcast सुन रही हूँ self discipline के बारे में. So yes. So this is me, a very dramatic housewife, जो full on makeup पहन के करने वाली है laundry को fold. सो मैंने सोचा था कि कम ही कपड़े हैं पर एक्चुअली ज्यादा ही हैं, वो पूरी बाल्टी भी है. क्या यहाँ पे बैठने से कपड़े कम हो जाएंगे? नहीं, करने से कम होंगे. लेट्स डू दैट. आई डोंट नो हिम्मत एंड हस्बैंड क्यों हर एक रूम में जा जा के गंद मचाते रहते हैं. उनको एक ही रूम में रह के पता नहीं क्यों सब्र नहीं आता. गेस्ट रूम में रजाई को हमेशा वो उल्टा पुल्टा करके रखते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो बंदा सही कर दे, पर नहीं उतें गंद पा के रखते हैं. हिम्मत अपने रूम से समझ नहीं आता की करा की नहीं करा. हिम्मत नू गला पियाँ वे हूँ. सो हिम्मत को डांटा है मैंने अभी, वो भाग गया है नीचे. सो यहाँ थोड़ा थोड़ा उन रूम्स को भी क्लीन करके आई. ऑलराइट, नीचे आ चुकी हूँ मैं. हिम्मत और हस्बैंड दोनों को मैंने दिए हैं एप्पल स्लाइसेस, क्योंकि आप नहीं ला सकते
सकते थोड़े पोंडुआ एंड आई एम प्लेइंग गेम एंड मैंने अपने लिए चाय बनाई है. मैंने हस्बैंड को पूछा अगर वो छली खाना चाहते हैं तो बता दे, पर उन्होंने खा लिया. सो चाओ एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, टायर्ड हूँ मैं. सो मैंने हस्बैंड को कहा है कि आज डिनर वो बनाने वाले हैं एंड ही सेड यस ही विल हेल्प मी. हस्बैंड बनाएंगे पुलाव आलू मटर डाल के गाजर गुजर पा के, उनका पुलाव मुझे अच्छा लगता है. सो ही गोना मेक पुलाव, सो ऐसा साड़ी हो जाएगा डिनर. यस दैट्स द स्टोरी राइट नाउ. और कपड़ों को नई नई करते अरेंज कर दिया मैंने. पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा कर देती हूँ फिर बाद में कर लूँगी, मैं सोचा यार कंप्लीट कर ही लो, फिर इतना इधर उधर घूमते रहते ना कपड़े. सो यस कर ही देता. ओके सो काफ़ी लेट है दिन में, 8 बज रहे ऑलरेडी. सो आज हस्बैंड हेल्प करने वाले हैं उनका फेवरेट पॉपुलर पुलाव बनाने के लिए और मैं भी उनकी मदद करूँगी. डैडी को क्यूट कहते हैं तो हिम्मत को अच्छा नहीं लगता, वो कहता घर में सिर्फ मैं ही क्यूट हूँ. No, no, daddy is not cute. Do yoga करने hard style. Okay, so हम लोग पुलाव बनाने वाले हैं और देखते हैं कैसा पुलाव बनता है. वैसे हस्बैंड गुड पुलाव मेकर हैं. आलू सब तो बड़ा छिल के बैगे हैं, लहसुन लहसुन छिलना ना. ओके मैं अपने पति की हेल्प करने वाली हूँ. वीडियो बना ला तू हेल्प की करनी है. चंटना बनो हुनी तो गणा हेल्प कर मैं की कर मन कुछ नहीं दिखदा मन कुछ नहीं दिखदा. कैसे लसन लसन अदरवान चा ओ तिमी तो ना चला ना मन बोतल पखाना चला ओके. सो हस्बैंड की हेल्प करेंगे. हस्बैंड पुलाव में क्या डालते हैं, गार्लिक भी डालते हैं तो मैं उनको गार्लिक छील के देने वाली हूँ. अनियन डालेंगे, अनियन ऑलरेडी मेरे पास है. अनियन टमाटर एंड आपने पहले भी देखा होगा लास्ट टाइम किसी व्लॉग में उन्होंने मेरे लिए कुक किया था. तो जल्दी से कुक करते हैं अच्छा सा मील और मज़ा लेते हैं. सो तड़के का सारा सामान रेडी है. हस्बैंड गार्लिक भी डालते हैं एंड अनियन टमाटर एंड जिंजर जैसे स्टाइल का उनको पसंद है. वैसे मैं पुलाव में बहुत छोटा छोटा डालती हूँ पर तड़के को छोटा छोटा की प्याज इट्स ओके. अब गाजर कटनी है मैंने जी. चलो आ सकते हो. आ ले जाओ. व्हाट इज दैट डिनर? डिनर इज राइस. चिकन राइस. चिकन राइस. चिकन नहीं आएगा मैंने आज. अरे राइस तो दही है. ओके सो हमारा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. इसमें मैंने गोभी भी ऐड कर दी थी क्योंकि हस्बैंड को गोभी अच्छी लगती है. हेमंत को दे दिया गया है और इसके साथ हम खाने वाले हैं खूब सारा सैलेड एंड रायता. सो मैं सर्व करने वाली हूँ अब. ओके दोस्तों सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट लाइक माई हस्बैंड. जस्ट स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज हिट योर हस्बैंड विद कूनी. दैट्स इट. बाय. एंड नीडल नीडल होती बटली.